तो आज हम लोग कस्टमाइज करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को, सो कीप वॉचिंग। सो गाइस, मेरा नाम है अभिनव गर्ग और आज मैं यहाँ पे दोबारा से आपके लिए कस्टमाइजेशन की वीडियो लेके आ चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास कंटेंट की कमी है, मेरे पास कंटेंट के लिए आइडियाज़ नहीं पड़े हैं। जितनी कस्टमाइजेशन मैं पेल सकता हूँ उतनी ज़्यादा पेल रहा हूँ फिलहाल। सैटरडे को शायद एक कोई नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सा आइडिया पड़ा हुआ है और बहुत ही जल्दी शायद से हम लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जो है हम यहाँ पे क्लासिक 350 को ही करने वाले हैं, क्योंकि अभी नई क्लासिक 350 का कुछ चांस नहीं है। मतलब ऑफकोर्स इस साल लॉन्च हो जाएगी वो, लेकिन ये नहीं पता कि इस साल जो है वो कब तक लॉन्च होगी, क्योंकि पैंडेमिक के चक्कर में सारी कंपनीज अपने लॉन्च जो है वो डिले कर दिए हैं। तो फिलहाल हम पुरानी वाली क्लासिक को जो फिलहाल जा रही है BS6 वेरिएंट में, उसको हम जल्दी से कस्टमाइज यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन इस समय अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो हम यहाँ पे क्लासिक का खुला हुआ है, हम यहाँ पे क्लासिक पे जाएंगे, एक्सप्लोर पे दबाएंगे बटन। एक्सप्लोर पे जाने के बाद यहाँ पे जो है सिंगल चैनल और डुअल चैनल का हमारे पास दो ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। हम इसमें जो है डुअल चैनल करने वाले हैं। अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं जाती तो इसमें सिंगल चैनल भी आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपको करनी है। डुअल चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें मेक इट योर्स पे जाना है। मेक इट योर्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे, ओके अभी ये खुल रहा है, यहाँ पे नेट थोड़ा सा जो है वो आज स्लो चल रहा है और लैपटॉप भी जो है थोड़ा सा स्लो है। तो उससे पहले अगर कुछ हम बात क्या ही करें, उससे पहले बात वेट करते हैं जब तक ये खुलता है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अब जो हमारे पास ये पेज सामने खुल के आ चुका है, चूज़ मॉडल वगैरह इसमें हमें यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हमने सिंपली क्लासिक 350 डुअल चैनल यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो हम इस पे जाएंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा फिर से नाटक दिखाएगा। ओके, खुल चुका है ये। यहाँ पे इसकी जो प्राइस दिखा रहा है वो दिखा रहा है हमें 2,06,718, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइस है। एस्टिमेटेड है, आपके अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग प्राइस जो इसकी होने वाली है। यहाँ पे हम कॉन्फिगर नाउ पे दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने पहली वीडियो में भी करा है। उससे पहले अगर आपने हिमालयन की और फायरवॉल की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर जो है वो आ जाएगी, या फिर आई बटन में आपको वो दोनों वीडियोज़ मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके इसको डेफिनेटली देख सकते हैं और बाकी वीडियोज़ को भी आप हमें चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अब ये पेज लोड हो रहा है, पेज धीरे धीरे जो है, और हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो थोड़ी सी आए, क्योंकि बाहर भी यहाँ पे कुछ ट्रैक्टर वगैरह खुल रखा है, यहाँ पे सामने कुछ और काम चल रहा है, ये तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड नॉइस वगैरह आती रहे। इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। कंट्रोल बटन्स जो हमारे दिखाए थे कि अगर आप फ़ोन में कर रहे हैं तो आपके टच कंट्रोल्स और वैसे जो है आपके माउस कंट्रोल से वैसा आपको देखने को मिल रहा है। और ये खुलेगा कब, इसके खुलने का दोबारा इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। नेट आज पता नहीं क्यों फालतू के ड्रामे दिखा रहा है। ओके, तो अब जो है ये हमारे सामने यहाँ पे खुल के आ चुकी है बाइक। ये इसका बेसिक ब्लैक कलर है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, नॉर्मल कलर है। यहाँ पे हल्का हल्का रॉयल, यहाँ पे जो है रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है रेड कलर से, वाइट कलर की उसकी पूरी जो है पीछे बैकग्राउंड है, गोल्ड कलर से जो इसको आउटलाइन किया गया है। कलर्स में अगर हम जाते हैं एक बार, कलर्स में आपको सारे एक बार दिखाया था, उसके बाद मैं अपना फेवरेट कलर को बताऊँगा कि मेरे इनमें सबसे फेवरेट कलर जो है वो मेरा कौन सा होने वाला है। इसको खोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक एयरबॉर्न ब्लू कलर है और जिस पे हम क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा देखने वाले हैं। ये जो है ये एयरबॉर्न ब्लू कलर है। अब ये जो आपका नंबर है यहाँ पे RE160891, ये जो है आपका एक स्पेशल नंबर होने वाला है। जो अगर आप मान लीजिए एयरबॉर्न ब्लू या फिर ये स्टॉर्म राइडर सैंड में कलर में या फिर ये लेते हैं आप बाइक, तो फिर जो इसके ऊपर नंबर होगा वो सिर्फ आप ही गाड़ी का नंबर होगा। मतलब ये गाड़ी जो है इस नंबर के साथ आपको कोई और रॉयल एनफील्ड जो है वो नहीं दिखने वाली है, ये आपके लिए स्पेशल नंबर होगा। तो आप जो है अगर यूट्यूबर हैं तो आप टाइटल में डाल सकते हैं ओनली वन इन इंडिया, ऐसे करके बहुत सारे आप जानते हैं। तो इसकी जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 218,599 एयरबॉर्न ब्लू कलर के लिए, और स्टॉर्म राइडर सैंड के लिए भी सेम ही प्राइस है। और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर प्राइस चली जाती है, 12,000 रुपये महंगा ये कलर है हमारा। तो उसमें अगर आपको कलर अच्छा लग रहा है तो फिर डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। रॉयल एनफील्ड का एक स्टेल्थ ब्लैक कलर ये हमारे देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारे को जो है पूरा ब्लैक कलर में है, मैट ब्लैक फिनिश में आपको ये देखने को मिलेगा, और मैट ब्लैक है, हाँ ये मैट ब्लैक कलर में फिनिश में आपको देखने को मिलेगा, और रेड कलर की जो है वो डिटेलिंग करी गई है बहुत सारी जगह। इसकी जो प्राइस है वो 226,190 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बेस प्राइस से 20,000 महंगा कलर है ये हमारा, जो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस। यहाँ पे गन मेटल क्रे हमारा एक और कलर हम इसमें देखने को मिलता है, जो कि 222,512 का यहाँ पे प्राइस होता है, जिसकी प्राइस जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इतनी ज़्यादा अब
बताने लगा तो फिर वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे गन मेटल ग्रे कलर है, गन मेटल ग्रे कलर में एक और हमारा यहाँ पे है जो कि बिना स्पोक व्हील के साथ आता है, जो कि 2,08,000 रुपये के साथ है। स्पोक व्हील क्या है कि यहाँ पे आपको नॉर्मली ऐसे व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अगर गन मेटल ग्रे प्रॉपर मिलता है तो आपको ऐसे स्पोक व्हील्स यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। इसमें जो अगला कलर आता है वो है क्रोम ब्लैक, जो कि क्रोम कलर और ब्लैक कलर का जो है मिक्सचर है। क्रोम कलर की आपको पूरा का पूरा बेस कलर मिलता है और ब्लैक कलर जो है आपको बहुत सारी जगह मिलती है। यहाँ पे मडगार्ड वगैरह जो है सामने का पीछे का वो सब आपको क्रोम कलर देखने को मिलता है। जो ये पार्ट है और जो आपका रॉयल फ्री जिसमें लिखा हुआ है वो सब आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलने वाला है। एक इसमें ऑरेंज एम्बर कलर है जो कि मेरे को पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये नया कलर फ़िलहाल में ही लॉन्च हुआ था और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। मेटेलो सिल्वर कलर के एक करके ये कलर है जिसमें तीन कलर्स यहाँ पे हमारे यूज़ हो रहे हैं, रेड सिल्वर एंड ब्लैक। ब्लैक जो है यहाँ पे हमारा यूज़ करने को देखने को मिलता है, यहाँ पे ये मिल रहा है हमें जो एक इनका रबरी फिनिश होती है उसमें आपको देखने को मिलने वाला है। इतना कलर ये मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ सिमिलर कलर शायद से जो है हिमालयन में भी हमने देखा था। अब ये कलर जो है ये कलर कुछ लोगों को पसंद आएगा कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, मेरे को ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता, गोवो को भी ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है, और क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिटेलिंग है नहीं है, सिंपल कलर बिल्कुल देखने को भी मिलता है, कोई इसमें ज़्यादा वो पंचीनेस वाली बात नहीं है जो कि आपको देख के एकदम से लुभाए, प्लस इसमें स्पोक व्हील्स वगैरह भी नहीं आते। लेकिन अगर आपका मान लीजिए आपको क्लासिक लेनी है तो आपका बजट कम है तो ये कलर आप डेफिनेटली एक बार चूज़ कर सकते हैं, ये आपको जो है वो अच्छा लगने वाला है। बल्कि सेम प्राइस में आपको गन मेटल ग्रे कलर आपको देखने को मिलता है, तो आप गन मेटल ग्रे कलर के लिए अगर आप जाएंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल हम जो जिस कलर के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं वो है स्टॉर्म राइडर सैंड, क्योंकि मेरे को ये कलर काफ़ी ज़्यादा पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कलर्स को फिलहाल हम बंद करते हैं, कलर्स को बंद बंद हो जा कलर, ये बंद नहीं होता है। ओके, अभी बंद हुआ था लेकिन दोबारा से खुल गया। नीचे चलते हैं, नंबर बोर्ड पे अगर हम आए तो नंबर बोर्ड जो है ये कुछ आपको ऐसा देखने को मिलने वाला है। 1,850 रुपये का जो है नंबर बोर्ड है, ये आपको शायद यहाँ पे लगने वाला है, इसको हम क्लिक करते हैं और हाँ ये आपको यहाँ पे लगने वाला है 48, आपको 48 ही नंबर मिलेगा। यह कोई ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली एक ही नंबर होने वाला है, लेकिन और जो कलर है हमने गलती से दोबारा कोई और चूज़ कर दिया था। ओके, ये जो है इसके साथ 48 इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको लगा के नहीं रखूँगा, इसको हम नॉर्मली रखने वाले हैं, और बाकी अगर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। रिजर्वॉयर कैप जो है रिजर्वॉयर कैप मैं इसमें लगाऊंगा, रिजर्वॉयर कैप मैंने आपको पहली वीडियोज़ में भी बताया कि इसको हम रिजर्वॉयर कैप कहते हैं, अगर इसको ना लगाए तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सिल्वर कलर एक बार लगा के देख लेते हैं कि सिल्वर कैसे लगते, सिल्वर जो है बहुत ही ज़्यादा बेकार सी लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो हम इसमें ब्लैक ही कलर लगाने वाले हैं। ऑयल फिलर कैप की अगर हम बात करें तो ऑयल फिलर कैप भी जो है हम ब्लैक कलर लगाने वाले हैं, क्योंकि ये ऑयल फिलर कैप इसमें कहा ये शायद इसकी बस देखते हैं, हाँ ये जो है यहाँ पे इसकी ऑयल फिलर कैप यहाँ पे ये लगती है हमारी, जो कि ब्लैक कलर में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। कम्फर्ट की अगर हम लोग बात आएँ तो कम्फर्ट में हमारे पास पैनियर्स आते हैं सिर्फ, सीट वगैरह इसमें हमें देखने को नहीं मिलती है। अब इसके साथ आपके पास पैनियर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप ये मिलिट्री के पैनियर्स लगा सकते हैं, पैनियर माउंटिंग किट आपको लगानी पड़ेगी जो कि इंपॉर्टेंट है, वरना आपके जो है पैनियर्स माउंट नहीं होंगे। ऐसी कुछ बाइक लगती है अगर आप ओके मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ऐसी कुछ आपकी बाइक लगती है पैनियर्स के साथ। ये कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है जब आपके ये अगर आप ऑलिव ग्रीन कलर पैनियर्स लगाते हैं, अगर आप ब्लैक कलर के पैनियर्स लगाते हैं तो ब्लैक कलर के पैनियर्स जो है कुछ ऐसे लगने वाले हैं जो कि इतने ज़्यादा पर्सनली मुझे अच्छे नहीं लगे। आप नॉर्मली अगर ऐसे ऑलिव ग्रीन कलर वाले पैनियर्स लगाते हैं तो वो जो है डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। ये देखिए, ठीक है, इसमें एक ये लॉन्ग लगेज रैक है जिसको आप लगा सकते हैं, पीछे वाली सीट हटा के आप लगेज रैक लगा सकते हैं अगर आप सिंगल राइडर हैं। अगर आप अकेले किसी राइड पर जा रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये वाली लगा सकते हैं। आप यहाँ पे पीछे जो है टॉप बॉक्स वगैरह माउंट कर सकते हैं जिसके बाद आपकी और भी ज़्यादा स्पेस जो है वो बढ़ने वाली है। इसमें आप अगर सिंगल लगाना चाहें तो शायद सिंगल का भी इसमें ऑप्शन है, हाँ इसमें अगर आप सिंगल लगाना चाहते हो तो इसमें सिंगल का भी ऑप्शन है। अगर आप मान लीजिए आपको नॉर्मल राइडिंग करनी है, आप नॉर्मल राइडिंग इन द सेंस कि आप शहर में ही चलाते हैं, आपको ज़्यादा वो नहीं करना, तो आप एक साइड इसको लगा सकते हैं, उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है दोनों सीट के साथ। प्रोटेक्शन के ऊपर अगर हम आते हैं तो प्रोटेक्शन में आपको सम गार्ड और इंजन गार्ड जो है वो इंजन गार्ड तो आपको लगाना ज़रूरी होता ही है, वो तो डेफिनेटली वो रॉयल एनफील्ड भी आपको बोलेगा। सम गार्ड इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि आप सम गार्ड लगाइए ताकि अगर पत्थर वगैरह आए तो वो इंजन पे आपके इफेक्ट ना डाले। सम गार्ड लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है, सम गार्ड जो है सिंपल एक ही हमारे कलर में आता, ब्लैक में आता तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छा लगता। अब हम ये वाला इसके साथ सबसे पहले वाला लगा के दिखाता हूँ,
तो इसके साथ जो क्लासिक में जो मैक्सिमम लोग 99% लोग जो इंजन गार्ड लगवाते हैं वो यही वाला पहले वाला एयरफ्लाई इंजन गार्ड लगवाते हैं ब्लैक कलर का, क्योंकि ये इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है गाड़ी को और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैं फिर भी और भी जो है आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम ऑक्टागन करके एक ये हमारा इंजन गार्ड है जो कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जो इसके साथ इंजन गार्ड एक और अच्छा लगता है वो लगता है जो सिंपल इसकी एक बार आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होती है। अगर आपको लगता है कि आप गाड़ी वगैरह इतनी नहीं गिराएंगे या फिर आप नॉर्मली गाड़ी अपनी चलाने वाले तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो प्रेफर करूँगा कि आप ये ऊपर एयरफ्लाई इंजन गार्ड लगाएं, क्योंकि ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, प्लस आपको गाड़ी आपकी गाड़ी को जो है वो अच्छे से बचाने वाला है। तो यहाँ पे ये हो चुका है हमारा पूरा, इसकी जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम इसका बना। इसमें हम दोनों साइड ही पैनल्स लगाने वाले हैं क्योंकि दोनों साइड के साथ पैनल्स ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये देखिए 228,883 रुपीज़ की जो है यहाँ पर हमारे पास ये आ रही है प्राइस। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि हम देख पाए आराम से। इसका हम स्क्रीनशॉट एक बार ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया गया? ओके, स्क्रीनशॉट हमने ले लिया है, शायद ये वाला जो है हमारा थंबनेल होने वाला है। इसमें अगर मैं एक बार गाड़ी की एक बार आपको ब्रीफिंग दे दूँ तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिंपली जो है वो हैलोजन बल्ब भी देखने को इसमें मिलता है, और हैलोजन बल्ब के साथ साथ जो है वो आपको नीचे एक LED लैम्प देखने को मिलती है जो आपकी डेटा एंड रनिंग लैम्प होने वाली है। ये आप देख सकते हैं बिना जले कुछ ऐसे होते हैं और जलने के साथ ये कुछ ऐसी लगती है। ओके, ऊपर भी यहाँ पे हमें दो लाइट्स देखने को मिलती है, दो बल्ब देखने को मिलते हैं जो कि हैलोजन में ही है, और ये आपके डे टाइम रनिंग लैंप्स के साथ जो है वो जलने वाले हैं। अब ये जो बाइक है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसके ऊपर जो है आप पहले तो ये देख सकते हैं ये जो नंबर है ये सिर्फ आप ही के पास होने वाला है, ये नंबर किसी और के साथ शेयर नहीं होगा, रॉयल एनफील्ड किसी के पास अगर है तो ठीक है। प्लस ये रॉयल एनफील्ड का जो यहाँ पे बैच है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और यहाँ पे जो ये एक इंडियन सा एक थोड़ा इंडियन फ्लैग जैसा थोड़ा सा मैं देखने को मिलता है, मानता हूँ इंडियन फ्लैग नहीं है ये, लेकिन तीन कलर्स जो हमारे मेन कलर्स यूज़ होते हैं इंडियन फ्लैग में वो यूज़ किए गए हैं इसमें, तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा जो हमें देखने को मिलता है। ऐसी कुछ हमारी बाइक फाइनली लग रही है, और मैं बोलूँगा कि आप डेफिनेटली इस बाइक को चेकआउट कर सकते हैं जाके। और मैं अब बात आती है कि क्या आपको क्लासिक 350 इस समय परचेज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि आप फ़िलहाल वेट करिए क्योंकि इस साल डेफिनेटली क्लासिक 350 जो है नई वाली आने वाली है, और वो जो है मीटियोर के इंजन के साथ आएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। इसमें जो है वाइब्रेशन वगैरह आपको देखने को मिलने वाली है, ऑफकोर्स लोग बोलते हैं कि 50-60 के ऊपर जो है वाइब्रेशन इसमें आराम से देखने को आपको मिलती है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि जब वाइब्रेशन लोग इतना बोल रहे हैं, लोग इतने अच्छे लोग इतने नेगेटिव फीडबैक्स वगैरह हैं, नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, क्रिटिसाइज लोग करते हैं इसको वाइब्रेशन को लेके, तो आई थिंक आपको इसके लिए अभी रुक जाना चाहिए। आज जो नई आएगी उसको आप जरूर चेकआउट करना। फिलहाल मेरा जो काम था, क्योंकि जैसे मैंने बोला कॉन्टेंट की थोड़ी कमी हो रही थी, तो कॉन्टेंट की कमी की वजह से मैंने इसको जो है कस्टमाइज़ कर दिया है। बाकी अगर आपको फिलहाल अभी लेनी ज़रूरी है तो आप अभी बुक कर दीजिए, 3 महीने बाद तक जो है आपको इसकी डिलीवरी देखने को मिल जाएगी, आप इसकी डिलीवरी ले सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि 3 महीने बाद जो है वो नई वाली क्लासिक भी जो है लॉन्च हो जाए, और उसमें जो है काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं, नया इंजन आएगा, नया ट्रिपल नेविगेशन आएगा जो हमने मीटियोर में देखा था। नहीं वीडियो देखी है तो ऊपर जाके ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसमें आप डेफिनेटली जाके चेकआउट उसको कर सकते हैं, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलने वाली है। प्लस जो ये पीछे की टेल लैंप है, ये टेल लैंप जो है वो मीटियोर जैसी हो जाएगी, तो ये भी थोड़ा चेंज आएगा, मतलब कॉस्मेटिक चेंज भी आने वाला है, इंजन चेंज भी आने वाला है, मतलब पूरे की तरीके से मैं कहूँगा कि एक जनरेशन चेंज आने वाली है क्लासिक 350 में, तो आप उसको जरूर चेकआउट जाके कर सकते हैं जब वो आएगी। फिलहाल इसको लेने के कोई फ़ायदा ऐसा होगा नहीं। पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए जो भी आपका सवाल या कुछ भी वीडियो से रिलेटेड। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद डिसलाइक करें, वीडियो के रिलेटेड जो भी आपका क्रिटिसिज्म सजेशन या कुछ भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसे लाल से ग्रे कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पे दबा दीजिए ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपके पास जल्द से नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वाली वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो जो है वो हम सैटरडे को दोबारा से लेके आएंगे, एंड देखते हैं वो वीडियो मैं कोशिश करूँगा कस्टमाइजेशन ना हो, कोई और टाइप की वीडियो जो है वो हो। और आपने जो है वो एक वीडियो नहीं देखी जो हमारी न्यूज़ वाली वीडियो थी, उसको प्लीज़ जाके देखिए, उसमें सिर्फ 10 व्यूज़ हैं, उसको जाके देखिए, ऊपर लिंक आ रहा होगा, उसको जरूर जाके देखिए। आपको टाइम टू टाइम मैं हर हफ्ते एक ऐसी वीडियो दूंगा, हो सकता है सैटरडे को न्यूज़ वाली वीडियो ही आ जाए। तो इस वीडियो की सिर्फ इतना ही, कैमरा मैन अभिनव गर्क के साथ, कैमरा सॉरी कैमरा मैन अभिनव गर्क के साथ, अभिनव गर्क साइन।